Hello dear all, welcome back. This is your another important problem related to plane वाला question. तो CBSE में कई बार पूछा गया है, तो कोई पैनिक होने वाला बात नहीं है. इसमें सिंपल सा लॉजिक है. आपका प्लेन अगर 30 मिनट्स लेटर चलता है अपने शेड्यूल टाइम से, तो उसको एक डेस्टिनेशन है जो कि 1500 किलोमीटर्स अवे है. अगर उसको अगर कोई प्लेन 30 मिनट्स लेट चलता है और अगर उसको उसी टाइम पे पहुंचना है जिस टाइम में नॉर्मल डेज में पहुंचा जाता था, तो उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी 250 km/h से फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड. तो इसकी यूजुअल स्पीड ही हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी सिंपल. अगर आप यहाँ पे सिंपल सा रूल देखोगे तो उसने एक चीज आपको ऑलरेडी यहाँ पे कवर करी हुई है. अगर मैं एक्चुअल स्पीड इस क्वेश्चन की xkmph ले लेता हूँ, है ना, यूजुअल स्पीड, और स्पीड बढ़ने के बाद अगर मैं उसकी स्पीड को देखूँ जो अब एक्चुअल स्पीड उसकी हो चुकी है, वो बन जाएगी x+250. तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये दो स्पीड ही जैसे हमारे पास आई हैं, तो अब अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब मैं इसको सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करूँ तो देखो, एक नॉर्मल शेड्यूल में अगर फ्लाइट आपका नॉर्मल शेड्यूल से होता, अगर ये जो फ्लाई करता, अगर इस फ्लाइट का नॉर्मल शेड्यूल किया जाए, अगर इस फ्लाइट का मैं नॉर्मल शेड्यूल देखूं, तो सिंपल सी बात है, आपको जो टाइम लगता, जो टाइम लगता टी एन इज फॉर नॉर्मल इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड थी आपकी यही xkmph. लेकिन अब जो ये केस नंबर टू है, जबकि आपने लेट स्टार्ट किया, तो जो आपका फ्लाइट है, जो फ्लाइट है जब वो लेट स्टार्ट करेगी, यानी लेट स्टार्ट जब होगा, तो उस टाइम पे उसने जो टोटल टाइम लिया होगा, टाइम फॉर द एक्चुअल, मतलब अ न्यू सिनेरियो आई कैन से, इसको मैं टी ही लेट करता हूँ, तो डिस्टेंस तो अभी भी आपने इतना ही ट्रेवल किया है, लेकिन इस बार आपने जो स्पीड है वो आपकी 250 पहुंच चुकी है. तो ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई चैलेंज नहीं है. तो नाउ वी हैव टू डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, और इसी के अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यू नो द रूल कि हम इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो 1500 अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पे 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 के इक्वल. और यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, और ये कितने मिनट्स का डिले या जल्दी वो पहुँचा था वो हमें लिखना होता है, यानी 30 मिनट्स. अब 30 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में चेंज करूँ, तो आपको पता है मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक नॉर्मल इक्वेशन जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे. तो अब ये हो गया एक जनरल सिनेरियो. अब इस जनरल सिनेरियो को ही वी हैव टू सॉल्व. लॉट ऑफ टाइम वी हैव डिस्कस सच काइंड ऑफ सिनेरियोज. तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊं, तो देखो मैं इसको इधर यहां स्विच करूंगा, और 1500 को अगर मैंने यहां पे कॉमन लिया, तो ये बनेगा 1 अपॉन x - 1 अपॉन x+250, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 30 अपॉन 60 को अगर मैं कैंसिल आउट करूं, तो ये 1/2 बना. इसका अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा 3000, और ब्रैकेट में आपका ये एलसीएम अगर मैं लूँ, तो x+250 - x / x (x+250), और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1, क्योंकि ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है ऑलरेडी. भाई x से x कटेगा, 250 का 3000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो ये 75 हो जाएगा, और टोटल 4 जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे. इस फैक्टर को अगर आप यहाँ ले जाएंगे, तो x into x+250 ये यहाँ पे बन जाएगा. यहाँ तक कोई चैलेंज? ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है. इस क्वेश्चन के फैक्टर्स आपको जैसे करने हैं आप कर सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है. लेकिन बहुत इजीली पता चल रहा है, ये जो वैल्यू है वो 1000 * 750 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो ये आंसर आएगा.
और यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो दो नंबर के बीच भी 250 का ही डिफरेंस है। तो क्लियरली 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 यहाँ से मुझे एक्स की जो वैल्यू है वो 750 मिल जाएगी। तो द आंसर इज 750 KMPH इज द यूजुअल स्पीड, और यही हमें फाइंड करना था। होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। थैंक यू।